स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आया हूँ किसान मसीहा। चौधरी चरण सिंह की जो बेटी थी उनकी शादी यहाँ पर हुई थी बिजनौर के गांव मिलक के अंदर, यानी कि सादीपुर मिलक इसका पूरा गांव का नाम है। तो वैसे तो बिजनौर से चौधरी परिवार का पहले से ही पुराना नाता रहा है, क्योंकि चौधरी साहब की दो लड़कियों की शादी यहीं पर हुई थी, एक तो बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के गाँव हाजीपुरा में, जो कि ज्ञानवती देवी थी उनका नाम था, और वे यहाँ के विधानसभा चुनाव यानी कि चांदपुर से चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और जो दूसरी जो बेटी हैं वो यहीं पर सादीपुर मिलक में उनकी शादी हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गांव की आबादी के बारे में तो लगभग 1000 की यहाँ पर आबादी है इस गाँव की, और सभी बिरादरियाँ यहाँ पर रहती हैं। आप जो मेरे पीछे मकान देख रहे हैं वे उनका ही है, जो इनकी दूसरी बेटी थी, बड़ी वाली थी हाजीपुर में जो ज्ञानवती देवी थी, और छोटी वाली थी शारदा देवी जी, जो कि वैसे फैमिली के सदस्य से इसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये पीछे में मेरा जो मकान देख रहे हैं आप, ये उन्हीं का ही है जो शारदा देवी यहीं पर रहती थी। अब उनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर गांव की बात करें बिरादरी की, तो लगभग सभी बिरादरियाँ यहाँ पर भाईचारे के निभाती हैं और रहती हैं एक साथ। अगर गोत्र के मामले में बात करें तो लगभग जाटों में यहाँ पर चार गोत्र निवास करते हैं, जो कि ढाका, डवास, देसवाल और ठाकरान। अब चलते हैं हम इस घर के अंदर देखते हैं, और यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये गांव जो पड़ता है जनपद बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अब दिखाते हैं घर के बारे में, जो शारदा देवी जी जब शादी हुई थी, जबकि इस समय का ये बना हुआ है जो मकान है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं, अभी अंदर भी थोड़ा सा मकान हुआ है बना हुआ है, और ऊपर भी काफ़ी पुराने मकान है, वैसे ही है, बने हुए जभी के कार्यकाल के हैं, यहीं पर रहती थी। तो चौधरी परिवार का पुराना नाता रहा है यहाँ के बिजनौर से, और कई बार भी आ भी चुके हैं। पड़ोस का ही गांव है विधानसभा चांदपुर का गांव इस्माइलपुर, उसमें भी कई बार चौधरी साहब यहां पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं घर, कुछ नया पोर्शन भी बना हुआ है इधर और कुछ पोर्शन पुराना भी है, लेकिन वे उन्हीं के ही समय का है। काफ़ी अगर बात करें गांव की पोजीशन के बारे में, तो राजनीतिक रूप से भी और दबंगे के मामले में भी जिलों के नामी ग्रामी गाँव में इसका नाम गिना जाता है। काफ़ी फेमस प्रसिद्ध गाँव है। और आइए हम घर के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो आप घर को देख सकते हैं, तभी के समय का ये घर बना हुआ है। भाई हैं घर के सदस्य हैं, उनसे मुलाकात करेंगे जो शारदा देवी जी के घर के सदस्य हैं। आइए घर के सदस्य अंदर बैठे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है जी, और अभी करंटली मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेसिकली बाहर रहता हूँ, अभी छुट्टी मार रखा हूँ यहाँ। तो चौधरी चरण सिंह की जो बेटी थी शारदा देवी जी, तो वे उस समय शादी हुई थी तब के ही मकान बनी हुई है? हाँ, ये घर तभी बने थे और तब से रिपेयरिंग होती है। हाँ 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 जी जी जी। तो लगभग कभी पुराने ही बने हुए हैं। तो लगभग इस टाइम शारदा देवी जी कहाँ हैं? मतलब अभी तो शिकागो में। शिकागो में, अच्छा, मतलब अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वहीं रहने। तो अगर हम इस समय उम्र की बात करें उनकी, तो क्या उम्र रही होगी इस समय होगी उनकी? उम्र अप्रोक्स 75 to 80। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लगभग आप देख सकते हैं, भैया ने बताया काफ़ी एज है। तो लगभग चौधरी साहब कितनी बार यहाँ पर आए उनके दौरान? देखो, मुझे मेरे जन्म के बाद से तो नहीं पता, लेकिन मेरे जन्म के बाद सिर्फ अभी तक एक ही बार आए हैं। अच्छा, उससे पहले आना जाना उनका लगा रहता था, उसके बाद उनकी ये जितनी बढ़ती चली गई वो आने में उतनी दिक्कत आने लगी, तब से उन्होंने आना बंद कर दिया है, कांटेक्ट होते हैं बस। अच्छा, वैसे कांटेक्ट फ़ोन के द्वारा वैसे? हाँ, हाँ। मतलब आना जाना वैसे रहता है लगातार? हाँ 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 जी 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 जी। तो अब जो शारदा देवी जी थी उनकी फैमिली में शिकागो में है इस टाइम, तो वे लास्ट बार कब आए थे? मतलब लास्ट टाइम 2005 में आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब वैसे उनकी आने की उम्मीद कब की है? मतलब ऐसा माहौल होता है दीपावली का त्यौहार का, पूरा परिवार एक जगह मतलब शामिल होता है, ब्याह शादी रहती हैं, तो अब ऐसा मतलब कब पड़ाव पड़ेगा, ऐसा माहौल बनेगा आने का? शायद अब नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि कुछ उनके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहने लगे। काफ़ी एज हो गई है। हाँ, दादी जी बेड रेस्ट पे हैं, बाबा जी से चला जाता है बट उतना उस लेवल सा नहीं, तुम समझ सकते हो, शहर में रहने के बाद ऐसे मरते हैं मतलब। हाँ, बहुत ज़्यादा।
और रही ताऊ जी और चाचा जी की बात, ताऊ जी वगैरह आते रहते हैं, चाचा जी आते हैं, बहुत पहले आए थे, अभी करंटली मेरे को भी याद नहीं है कैसे हैं। तो अगर बात करें शारदा देवी जी की, तो मतलब कितने बच्चे हैं उनके? लगभग दो बेटे हैं दोनों। अच्छा, दोनों बेटे हैं, तो उनका मतलब वहाँ पर कुछ कारोबार या मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ, छोटे वाले का तो ऐसा कुछ खास कारोबार मेरे को पता नहीं है, बड़े वाले डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, वहीं पे जी। मतलब एक तरीके से अच्छा परिवार चल रहा है जैसे चलना चाहिए। ठीक ठीक, तो थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में बताओ, अपने जैसे गाँव की क्या खासियत है? मेन गांव की खासियत यही है, एकजुट गांव है। अच्छा अच्छा, और फिर बहुत पहले से नाम चलता आ रहा है हर चीज़ में, हमसे रिलेटिव भी, और फिर कुछ ऐसे पहले लोग रहे हैं जो बहुत नाम है, हम भी सुनते हैं उनके बारे मतलब में। राजनीतिक तौर पर भी और दबंगे के मामले में भी सुना है, बाकी में नामी ग्रामी जिलों के संख्या में नाम आता है आपके गांव का। तो और मैंने जाना, मैंने सुना है, अनुभव करा था, क्योंकि आपके ही गांव के थे सुनील ढाका जी, जो थे काफ़ी मतलब जाट समाज के लिए भी और पैसे भी बिरादरी के नाते मतलब एकजुट रहते थे।